हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जब एलसीडी में दबाव आने पर या टूटा हुआ ग्लास अलग करने पर एलसीडी में काले धब्बे आ जाते हैं, क्या वो निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। दोस्तों, मेरे पास ये एलसीडी है, फ़ोन गिरने पर इसका ग्लास टूट गया और एलसीडी में काले धब्बे आ गए। तो सबसे पहले एलसीडी को निकालते हैं फ्रेम से बाहर और टूटे हुए ग्लास को करते हैं अलग। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ग्लास को अलग करने पर ये सारे धब्बे राउंड शेप में आ चुके हैं और इन्होंने अपनी जगह भी बदल ली है। फ्रेंड्स, मैंने इस एलसीडी को मार्क कर दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, इस एलसीडी पर न्यू टच लगा लेते हैं ताकि फ़ोन का डायल पैड ओपन हो सके और मैं आपको क्लियर दिखा सकूं कि काले धब्बे गए या नहीं, क्योंकि फ़ोन के होम स्क्रीन पे जो फ़ोटो लगी है उसमें पता ही नहीं लग रहा कि धब्बे हैं या नहीं हैं। फ्रेंड्स, इस एलसीडी को बबलर में 60 मिनट्स हो चुके हैं और सारे धब्बे जा चुके हैं, बस ये एक लाइन ही रह गई है, ये भी चली जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एलसीडी को 80 मिनट्स बबलर में रखने के बाद सारे धब्बे जा चुके हैं और एलसीडी भी नई जैसी लग रही है। दोस्तों, ये मेरे पास दूसरी एलसीडी है, इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जो धब्बे टच करने पर कुछ भी रिएक्ट करते हैं वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो नहीं करते उनका निकलना बहुत मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।